खबर बुरहानपुर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुरहानपुर जिले में भी मॉक ड्रिल की गई। चाइना और यूरोप के अन्य देशों में कोविड 19 के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कोविड 19 कंट्रोल की पूर्व तैयारियां देश भर में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें मानव संसाधन, ऑक्सीजन, दवाइयां, लॉजिस्टिक परिवहन आदि की उपलब्धता एवं व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके तहत बुरहानपुर जिला अस्पताल में भी कलेक्टर भव्य मित्तल के निर्देश पर एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने पहुंचकर मॉक ड्रिल की तथा अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में 110 बेड और 25 आईसीयू बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता की गई। वहीं एडीएम ने कहा कि यदि कोविड से संबंधित कोई मामला सामने आता है तो किस प्रकार मरीज को जिला अस्पताल में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भर्ती किया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा, इस संपूर्ण प्रक्रिया का आज मॉक ड्रिल किया गया। जैसा कि आप लोगों को विदित है, चीन में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर हमने एक मॉक ड्रिल रखी है, जिसमें आज ये चेक किया गया कि यदि कोई कोविड का पेशेंट आता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मुख्य बिल्डिंग से लेकर के आईसीयू तक उसको लाने की पूरी व्यवस्था और आईसीयू में ला करके उसको ऑक्सीजन देने की व्यवस्था को आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल करके देखा है। कितने बेड है पूरे सर, कितने पर्याप्त? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में 15 बेड हैं, अगर ऑक्सीजन बेडेड की बात करें तो करीब 150 ऑक्सीजन बेडेड हो जाएंगे। पूरे जिले में करीब 315 ऑक्सीजन बेडेड हो जाएंगे और अगर ओवरऑल बेडेड की बात करें कि जिनको हम कोविड के लिए यूज़ कर सकें तो पूरे 580 रहेंगे।